हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। इसका मतलब थायराइड हार्मोन का क्या क्या फंक्शंस है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है कि क्या क्या थायराइड हार्मोन का फंक्शन होता है। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि थायराइड हार्मोन का और क्या फंक्शन हो सकता है। देखो, थायराइड हार्मोन का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है अपटेक ऑफ LDL बाय द लीवर से। इसका मतलब थायराइड हार्मोन क्या करवाता है, LDL का अपटेक करवाता है लीवर सेल के द्वारा। तो क्वेश्चन आता है ये LDL क्या होता है। तो देखो, LDL का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपिड, जिसको हम लोग बैड लिपिड भी बोलते हैं या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है इसको बैड लिपिड या बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं। तो देखो, इसको बैड लिपिड या बैड कोलेस्ट्रॉल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, जो आर्टरी होता है ना, आर्टरी का जो वॉल होता है इसमें एक्यूमुलेट करता चला जाता है, जिसके कारण आर्टरी का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, नैरो हो जाएगा। अगर नैरो हो जाएगा तो ब्लड का जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, आर्टरी के थ्रू स्टॉप हो जाएगा। और अगर ब्लड का फ्लो स्टॉप होगा तो क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है या फिर हम लोग बोलते हैं कि कार्डियो वास्कुलर डिजीजेस हो सकता है। इसीलिए LDL को हम लोग बैड लिपिड बोलते हैं या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो लीवर देखो कैसे करके ये LDL को अपटेक करता है थायराइड हार्मोन के प्रेजेंस में, ये अभी हम लोग देखेंगे। तो देखो, ये हो गया ब्लड वेसल्स हो गया, ठीक है। इस ब्लड वेसल्स में क्या रहेगा, थायराइड हार्मोन भी रहेगा, लो डेंसिटी लिपिड या बैड कोलेस्ट्रॉल भी रहेगा। और ये वाला जो सेल है, देखो ये वाला, ये हो गया लीवर सेल, ठीक है। और ये वाला हो गया लीवर सेल का न्यूक्लियस। तो देखो होता क्या, ब्लड में थायराइड हार्मोन है तो थायराइड हार्मोन में जो T4 हार्मोन होगा वो लीवर सेल के अंदर इंटर करेगा। देखो इंटर किया, अब ये T4 हार्मोन लीवर सेल के अंदर T3 में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके प्रेजेंस में, तो एक एंजाइम के प्रेजेंस में, जिसको हम लोग बोलते हैं डीआयोडीनेज, ठीक है। तो देखो T3 में कन्वर्ट हो गया। अब ये T3 क्या करेगा, लीवर सेल के न्यूक्लियस में जाएगा। देखो ये न्यूक्लियस है और ये T3 कहाँ चला गया, लीवर सेल के न्यूक्लियस में। और लीवर सेल के न्यूक्लियस में थायरॉयड रिसेप्टर मिलता है और ये थायरॉयड रिसेप्टर का दो बाइंडिंग साइट होता है। देखो एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। तो पहले वाले बाइंडिंग साइट से T3 बाइंड करेगा और नेक्स्ट वाले बाइंडिंग साइट से क्या बाइंड करेगा, रेटिनोइक एसिड बाइंड करेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल थायरॉयड रिसेप्टर से बाइंड करता है तब ये थायरॉयड रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। देखो एक्टिवेट हो गया, अब ये थायरॉयड रिसेप्टर क्या करेगा, डीएनए से बाइंड करेगा। देखो डीएनए से बाइंड किया, डीएनए से बाइंड करने के बाद ये एमआरएनए बनाएगा, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। अब एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। और कैसा प्रोटीन बनेगा, तो हम लोग बोलेंगे इस प्रोटीन को बोलते हैं LDL रिसेप्टर, मीन्स लो डेंसिटी लिपिड वाला रिसेप्टर बनेगा, ठीक है। अब ये LDL रिसेप्टर क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके बाइंड कर जाएगा। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके बाइंड कर गया, ये क्या LDL रिसेप्टर है। तो होगा क्या, ब्लड में क्या है, लो डेंसिटी लिपिड या बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे LDL रिसेप्टर। देखो बाइंड किया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये बैड कोलेस्ट्रॉल अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो लीवर सेल में एक प्रोसेस होगा, जिस प्रोसेस को बोलते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस, या फिर इसको हम लोग कभी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्लैथरीन मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस, ठीक है। इसी इंडोसाइटोसिस को हम लोग बोल रहे हैं अपटेक। इसका मतलब लीवर सेल क्या कर रहा है, इस बैड कोलेस्ट्रॉल को अपटेक कर रहा है, कैसे करके, LDL रिसेप्टर से बाइंड करके। तो देखो अब क्या होगा, जैसे ही ये इंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा तो इंडोसाइटिक वेसिकल बनेगा। इंडोसाइटिक वेसिकल, देखो ये इंडोसाइटिक वेसिकल है कंटेनिंग LDL रिसेप्टर और ये क्या है, बैड लिपिड है। तो अब क्या होगा, ये इंडोसाइटिक वेसिकल या इंडोसोम लाइसोसोम से फ्यूज करेगा। देखो ये लाइसोसोम है और यहाँ पर क्या हुआ, देखो दोनों का फ्यूजन हुआ, इंडोसाइटिक वेसिकल एंड लाइसोसोम का, ठीक है। जैसे ही फ्यूजन हुआ तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, ये क्या हो गया, एसिडिक हो गया। देखो एसिडिक हो गया यहाँ का इन्वायरमेंट, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो बैड लिपिड था वो अपने रिसेप्टर से क्या हो गया, देखो अलग हो गया, अलग ठीक है, बिकॉज ऑफ द एसिडिक इन्वायरमेंट, ठीक है। और देखो यहाँ पर जैसे ही अलग हो रहा है तो ये अलग एक कंपार्टमेंट बन रहा है, ये कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं CURL, GERD। GERD का मतलब होता है कंपार्टमेंट अनकपलिंग रिसेप्टर लिगेंड। इसका मतलब ये वैसा कंपार्टमेंट होता है जहां से जो लिगेंड है वो अपने रिसेप्टर से क्या होगा, अलग होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं कंपार्टमेंट अनकपलिंग रिसेप्टर लिगेंड।
ये कल क्या करेगा, ये जो एलडीएल रिसेप्टर है उसको फिर से रिसाइकिल करवाएगा। देखो यहाँ पर रिसाइकलिंग हो रहा है और फिर से ये एलडीएल रिसेप्टर कहाँ आ जा रहा है, लीवर सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ गया, ठीक है। और बैड लिपिड का क्या होगा, तो बैड लिपिड का देखो क्या होगा, ये लाइसोजोमल एंजाइम के थ्रू क्या हो जाएगा, डिग्रेड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बोलते हैं कि थायरॉयड हार्मोन हेल्प करता है। तो दिस इज नोन एज अपटेक ऑफ एलडीएल बाय द लीवर सेल। तो क्वेश्चन आता है कि थायरॉयड हार्मोन का अगला फंक्शन क्या होता है, तो देखो थायरॉयड हार्मोन का जो नेक्स्ट फंक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन, मतलब T3 एंड T4 हार्मोन थर्मोरेगुलेशन में भी हेल्प करता है। तो क्वेश्चन आता है ये थर्मोरेगुलेशन क्या होता है, तो थर्मोरेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कैसे करके मेंटेन करेगा हमारा बॉडी, तो देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो कि ठंड के टाइम या फिर ड्यूरिंग कोल्ड, ठंड के टाइम क्या होता है हमारे बॉडी से हीट का लॉस होता है, तब जाके हम लोग को ठंड लगता है। इसका मतलब ड्यूरिंग कोल्ड क्या होगा, लॉस ऑफ हीट होगा फ्रॉम आवर बॉडी, जिसके कारण हम लोग को क्या होगा, ठंड लगेगा। तो देखो होता यह है ना कि जो हमारा बॉडी होता है, तो जो हमारा स्किन होता है ना, स्किन में एक रिसेप्टर लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिडो रिसेप्टर या कोल्ड रिसेप्टर। ये फ्रीजिडो रिसेप्टर क्या होता है, बहुत सेंसिटिव होता है कोल्ड के प्रति, ठीक है। तो जैसे ही ठंड के टाइम क्या होगा, ये फ्रीजिडो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा और ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा कि हाइपोथैलेमस तुम क्या निकालो, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रेट करो। तो देखो मान लो ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये क्या हो गया, हाइपोथैलेमस के बिलो क्या रहेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड रहेगा। तो पिट्यूटरी में ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, देखो एक सेल मिलता है ये वाला, इस सेल को हम लोग बोलते हैं थायरोट्रॉप, और ये सेल क्या निकालेगा, TSH को रिलीज करता है। तो देखो फ्रीजिडो रिसेप्टर जो कि क्या किया था, वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड था और ये स्टिमुलस का काम किया था, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किया था, तब जाके हाइपोथैलेमस क्या सिक्रेट कर रहा था, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। अब ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन देखो क्या कर रहा था, इंटीरियर पिट्यूटरी के जो थायरोट्रोप सेल था ना उसको एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद देखो थायरोट्रोप रिलीज किया, सिक्रेट किया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, TSH को। अब ये जो TSH होता है इसका टारगेट सेल क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे इसका टारगेट सेल होता है थायरॉयड ग्लैंड। इसका मतलब ये TSH थायरॉयड ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, तब जाके थायरॉयड ग्लैंड क्या करेगा, ब्लड में T3 एंड T4 हार्मोन को सिक्रीट करेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ये मान लो सेल है, ठीक है, ये हमारा बॉडी का सेल है, ये वाला हमारा बॉडी का सेल है। तो होगा क्या, ये जो थायरॉयड हार्मोन है ये ब्लड से होते हुए हमारे बॉडी के सेल में इंटर करेगा, देखो इंटर कर गया, ठीक है, T4 इंटर किया। अब T4 का क्या होगा, कन्वर्शन होगा T3 में बाय द प्रोसेस नोन एज डीआयोडीनेशन, और इस डीआयोडीनेशन में कौन सा एंजाइम लगेगा, डीआयोडीनेज एंजाइम लगेगा। अब ये T3 क्या होगा, ये न्यूक्लियस है देखो सेल का, इस न्यूक्लियस के अंदर इंटर कर जाएगा क्योंकि ये स्टेरॉयड मॉलिक्यूल है। तो अब देखो जैसे ही T3 न्यूक्लियस के अंदर इंटर किया, तो न्यूक्लियस में क्या मिलेगा, थायरॉयड हार्मोन का रिसेप्टर मिलेगा। तो ये क्या हो गया, रिसेप्टर फॉर थायरॉयड हार्मोन। इसके पास दो बाइंडिंग साइट है, एक T3 के लिए और एक इसके लिए रेटिनोइक एसिड के लिए। तो जब T3 और रेटिनोइक एसिड अपने बाइंडिंग साइट से बाइंड करता है, तब ये थायरॉयड रिसेप्टर क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, देखो एक्टिवेट हो गया। अब ये एक्टिवेटेड थायरॉयड रिसेप्टर क्या होगा, DNA से बाइंड करेगा, देखो DNA से बाइंड किया, DNA से बाइंड करने के बाद ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तब जाके mRNA बनेगा, और ये mRNA क्या बनाएगा, ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो भी प्रोटीन बन रहा है वो प्रोटीन किसका काम करेगा, एंजाइम्स का काम करेगा, ठीक है। देखो ध्यान दो, यहाँ पर जो भी सेल है ना उसमें ग्लूकोज रहेगा, क्यों रहेगा, ग्लूकोज कहाँ से आया, तो हम लोग बोलेंगे जो भी हम लोग फूड लेते हैं, फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब सेल में ग्लूकोज रहेगा। देखो तो ठंड के टाइम पे क्या होगा, कोल्ड के टाइम पे क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है इसका ग्लाइकोलाइसिस होगा और क्या बनेगा, पाइरूविक एसिड बनेगा। तो ग्लाइकोलाइसिस को होने के लिए क्या चाहिए, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स चाहिए। तो यहाँ पर देखो जो भी प्रोटीन बना था वो किसका काम कर रहा था, एंजाइम्स का काम कर रहा था, और ये प्रोटीन किसके कारण बना था, थायरॉयड हार्मोन के कारण बना था। तो ये जो एंजाइम्स है वही ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स का काम करेगा, और किस प्रोसेस को कराएगा, ग्लाइकोलाइसिस को करवाएगा। इसका मतलब ग्लूकोज का कन्वर्शन होगा किसमें, पाइरूविक एसिड में। तो अब ये पाइरूविक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चला जाएगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है,
और पाइरूविक एसिड कहाँ चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में। तो अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पाइरूविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब साइकिल को रन करेगा। क्रेब साइकिल रन होगा तो ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा, और जब ईटीएस चलेगा तो इसका मतलब एटीपी बनेगा। तो देखो ठंड के टाइम पे क्या होता है ना, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है या फिर ग्लाइकोलाइसिस होता है, तब जाके ज्यादा से ज्यादा क्या बनता है, पाइरूविक एसिड बनेगा। जितना ज्यादा पाइरूविक एसिड बनेगा उतना ज्यादा क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होगा। जितना ज्यादा एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा क्रेब साइकिल चलेगा, और जितना ज्यादा क्रेब साइकिल चलेगा उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा, जिसके कारण बहुत सारा एटीपी का फॉर्मेशन होगा। और जब भी एटीपी का फॉर्मेशन होगा इसका मतलब हीट का भी क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, ठीक है। और जब भी हीट बनेगा तो क्या होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो रहेगा वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और यही बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर इंक्रीज कर रहा है, वही हम लोग को क्या करेगा, कोल्ड के टाइम पे जो लॉस ऑफ हीट हो रहा है उसको कंपनसेट करेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो थायरॉयड हार्मोन होता है ना, थायरॉयड हार्मोन वो इसमें हेल्प करता है, थर्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। तो एक चीज इसमें याद रखना, ठंड के टाइम पे क्या होता है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा फूड लेना पसंद करते हैं। हम लोग फूड इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लेना चाहते हैं क्योंकि फूड में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो ठंड के टाइम पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा पाइरूविक एसिड बनेगा, ज्यादा से ज्यादा एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, ज्यादा से ज्यादा क्रेब साइकिल चलेगा, ज्यादा से ज्यादा ईटीएस चलेगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा किसका प्रोडक्शन होगा, हीट का प्रोडक्शन होगा, मतलब बीएमआर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। और अगर बीएमआर बढ़ेगा तो जो भी बॉडी से जो हीट का लॉस हो रहा है ठंड के टाइम, वो क्या होगा, कंपनसेट होगा। यही कारण है कि ठंड के टाइम हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा फूड लेना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके थायरॉयड हार्मोन हेल्प करता है थर्मोरेगुलेशन में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे थायरॉयड हार्मोन का नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है। थैंक यू।